हम बात कर रहे थे फ्यूरोनोस की। फ्यूरोनोस के अंदर हमारे पास अंदर चार कार्बन होते हैं और बाहर दो कार्बन होते हैं। अब इन चारों में से पांच कार्बन हमारे पास कायरल कार्बन है, लेकिन ये हमारे पास कायरल कार्बन जो बना है ये फिशर प्रोजेक्शन में कायरल नहीं था, इसलिए हमें नहीं पता कि ये आर है या एस है। जब हमें ना पता हो कि ये आर है या एस है तो हम इसको सिंपल बॉन्ड से रिप्रेजेंट कर देते हैं। जब इसकी बारी आई तो हमने इसकी नंबरिंग देखी 1 2 3 1 2 3 का मतलब इसकी नंबरिंग जो हुई थी वो क्लॉकवाइज हो गई थी, और यहाँ पर जो हमने देखा वो भी आर था। आर क्लॉकवाइज को ही कहते हैं, इसका मतलब क्या है कि हमें आर चाहिए था और हमें आर ही मिला। जब हमारी मर्जी की स्टीरियो केमिस्ट्री मिलती है तो हम हैच बना देते हैं। यहाँ पे गए, यहाँ पे इसकी नंबरिंग करी 1 2 3। अब तीसरे कार्बन पे हमारा नंबरिंग आई वो आई आर, और जब हमने ऊपर देखा तो हमें तीसरे कार्बन की चाहिए थी एस। 1 2 3 थ्री कार्बन पे एस थी और हमें मिली है आर। अब क्योंकि हमें आर मिली है और हमें चाहिए थी एस, तो हमने इसको स्टील केमिस्ट्री को पलट दिया। कैसे पलटा? हमने इसको वेज बना दिया। जब हमने इसको वेज बनाया तो चौथा बॉन्ड जो हाइड्रोजन से लगा था वो हैज हो गया। हैज का मतलब क्या है कि हमारा हाइड्रोजन आ गया अबव द प्लेन। जब भी हाइड्रोजन अबव द प्लेन आता है आपकी स्टीरियो केमिस्ट्री चेंज हो जाती है, आर एस हो जाता है, एस आर हो जाता है। ये क्या बात है, हमारे पास आर आ रहा था इसका मतलब ये एस हो गया, एस ही चाहिए था। इस तरह हमारी स्टीरियो केमिस्ट्री एडजस्ट हो गई। फिर हम यहाँ पे आए। अब यहाँ पे हमें इसकी आर या एस को बताने के लिए मौजूद नहीं है हमारे पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप, क्यों कि जो हमारा चौथा कार्बन है इसके हाइड्रोक्सिल ग्रुप को ही हमने ये रिंग में मौजूद हुआ है। जब ये रिंग में मौजूद हुआ तो उसका मतलब क्या है कि यहाँ पे कोई हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं बचा। जब यहाँ पे कोई हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं बचा और हमें इसकी अभी भी स्टीरियो केमिस्ट्री दिखानी है, इसलिए फिर हम हाइड्रोजन की मदद लेते हैं। हाइड्रोजन की मदद कैसे लेंगे, हम देखेंगे पहले कि यह आर है कि यह एस है। जब हम ऊपर गए हमने चौथे कार्बन को देखा तो हमें पता चला कि यह आर था। अब हमें यहाँ भी इसको आर बनाना पड़ेगा। नंबरिंग देंगे 1 2 3। नंबरिंग करने पर जो नंबरिंग आई वो आई थी एंटी क्लॉक वाइज। एंटी क्लॉक वाइज का मतलब एस, हमें चाहिए था आर। अगर हमारी मर्जी की केमिस्ट्री ना मिले तो हम क्या कर देते हैं, हाइड्रोजन को अबव द प्लेन कर देंगे। हाइड्रोजन अबव द प्लेन हुआ, आपकी केमिस्ट्री चेंज हो जाएगी, आर एस हो जाता है, एस आर हो जाता है। इसलिए हमने बना दिया हैच। हैच का मतलब होता है अबव द प्लेन। जब हमने हैच बनाया तो ये क्या हो गया, अबव द प्लेन। जब हाइड्रोजन अबव द प्लेन आया तो उसने केमिस्ट्री चेंज कर ली। अब क्योंकि ये एस आ रहा था, हाइड्रोजन के अबव द प्लेन की वजह से ये आर हो गया। फिर हम यहाँ पे गए, ये फाइनल हाइड्रोक्सिल ग्रुप है हमारा, वहाँ पे देखा तो हमें आर था, तो इसका मतलब मुझे आर लेके आना पड़ेगा। तो नंबरिंग देंगे हम 1 2 3 और क्या आ रहा है, ये एस, हमें चाहिए था आर। फिर हम क्या कर देंगे इसको वेज, तो इसका मतलब ये आर हो गया, क्योंकि ये बिहाइंड द प्लेन चला गया, हाइड्रोजन अबव द प्लेन आ गया। जब हाइड्रोजन अबव द प्लेन आया तो उसने स्टीरियो केमिस्ट्री चेंज कर दी, एस आ रही तो ये आर हो गई, हमें आर चाहिए थी, ठीक हो गई। यहाँ पे आए, यहाँ पे भी वही बात होगी, पहला कार्बन को पर आपने हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगाया कोई वजह नहीं, फर्क नहीं पड़ता चलता आपने कौन सा बॉन्ड लगाया। फिर हम यहाँ पे आए, हाइड्रोक्सिल ग्रुप सेकंड कार्बन हमारा है आर, तो यहाँ भी हमें आर लाना पड़ेगा। नंबरिंग दी 1 2 3, क्या आई नंबरिंग, हमारे पास आर ही आई। जब हमारे पास आर चाहिए तो और आर ही आया तो हमने क्या कर दिया, हैच। यहाँ पे गए, हाइड्रोक्सिल ग्रुप बनाया हमने, तीसरी थी हमारी पास एस, हमें यहाँ पे लेके आना है एस। देखते हैं आ क्या रहा है, 1 2 3 क्या आ रहा है हमारे पास, 1 2 3 करके 1 2 3 ये हो गई हमारे पास क्लॉकवाइज आर, और हमें चाहिए था एस। अब क्योंकि हमें एस चाहिए, आर ये आर रहा है, हमारी मर्जी की केमिस्ट्री नहीं है, तो हमने बना दिया वेज बॉन्ड। यहाँ पे जाएंगे, वहाँ भी हम सही करेंगे, हमें चाहिए था आर। अब देखते हैं ये क्या आ रहा है, 1 2 और 3। नंबरिंग क्या हो गई इसकी, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मतलब है कि ये है आर और हमें भी चाहिए था आर, तो हम यहाँ भी बना देंगे हैच। अब ये वाला कार्बन है, यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं बचा तो हमें हाइड्रोजन की मदद से बताना पड़ेगा ये आर है या एस है। फाइनल हाइड्रोक्साइक्लिक कार्बन, सॉरी एक कायरल कार्बन है, आर है हमारे पास ये, तो हमें यहाँ भी दिखाना पड़ेगा कि ये आर है या एस है। अब हमें यहाँ पे दिखाना पड़ेगा कि अभी पहले हम देखेंगे, नंबरिंग करेंगे, तो पहली पोजीशन इसकी हो गई, दूसरी इसकी हो गई, तीसरी इसकी हो गई, ये क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब एस, और हमें चाहिए था आर, तो हमने क्या कर दिया, हाइड्रोजन को कर दिया अबव द प्लेन। हाइड्रोजन गया अबव द प्लेन, स्टीरियो केमिस्ट्री हो गई चेंज, एस हो गया आर, आर हो जाता है एस। यहाँ पे हमारे पास एस आ रहा था, हमें आर चाहिए था, तो हमने हाइड्रोजन को अबव द प्लेन करा, अभी एस हो गया आर और हमें आर ही चाहिए था। तो ये हो गई हमारी पायरेनोस, पायरेनोस। इसके अलावा हमारे पास हेप्टोनोस भी बन सकती है। हेप्टोनोस के अंदर हमारे पास होता है 7 मेम्बर्ड, मतलब एक आपके पास ऑक्सीजन होता है और बाकी 6 आपके पास कार्बन होते हैं। यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ गया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पे हमारे पास OH ग्रुप आ गया फाइनल में, क्योंकि ये कार्बन हमारे पास एक कायरल नहीं है, एक कायरल नहीं है, तो इसकी भी स्टीरियो केमिस्ट्री दिखाने की ज़रूरत नहीं है हमें, हमें सिर्फ इन चार कार्बन की दिखानी है। फर्स्ट कार्बन की हमने दिखा चुके हैं, हमें नहीं पता है आ रही है ऐसे। यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगेगा, यहाँ हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगेगा, यहाँ हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगेगा और यहाँ हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगेगा। बॉन्ड देखने पड़ेंगे हमें, आर एस आर आर, तो ये होना चाहिए आर। केमिस्ट्री क्या हुई इसकी, पहला बॉन्ड 1 2 1 2
थ्री, तो ये क्या हो गया जो क्लोज का मतलब आर, हमें आर ही चाहिए था, अपनी मर्जी की केमिस्ट्री मिली एच। यहाँ जाएंगे वन, इसका एटम पोजीशन हो गई, सेकंड ये हो गई, थर्ड ये हो गई, ये क्या हो गया आर, हमें चाहिए थी एस, वेज बना दिया। यहाँ पे गए वन टू थ्री, क्या आ गई क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज का मतलब आर, हमें भी आर ही चाहिए था एच। यहाँ भी वही होगा और उसके आगे भी वही होगा, सॉरी यहाँ पे जो मैंने बताया था वो गलत है।